आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। दोस्तों, मुस्लिम ख्वातीन को और इस्लाम को बदनाम करने के एजेंडे पर एक फिल्म दी केरला स्टोरी आज रिलीज़ हुई और इसके खिलाफ बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। इसी दरमियान नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम, ने कर्नाटक का रैली इलेक्शन से खिताब करते हुए इस पूरी खबर तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अलीन इस्लामिक ट्यूब पर। कश्मीर फाइल्स की तरह एक और फिल्म दी केरला स्टोरी के नाम से मुस्लिम ख्वातीन को ख़ास तौर पर बदनाम करने के एजेंडे पर बनाई गई है। इसको लेकर मुसलमान ही नहीं बल्कि सेकुलर तबके से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ बायकॉट की मांग की। इसी दरमियान जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इसको बैन लगाने के मुतालिक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम अर्जियों को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम जो रियासती अदालतें हैं वहाँ जाने का सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशवरा दिया। लेकिन इसी दरमियान आज 5 मई 2023 बरोज़ जुमा ये फिल्म रिलीज़ कर दी गई। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी अफसोसनाक खबर तो ये कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म कर्नाटका में इलेक्शन रैली में खिताब करते हुए मांग कर दी। नाज़रीन इकराम, इसी को लेकर एक मशहूर सहाफ़ी नायाब हसन है, वो लिखते हैं, मोदी सिर्फ इस वजह से दी केरला स्टोरी की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं कि मुसलमान इस फिल्म की मुखालिफत कर रहे हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबिना। तकमीली तलबिना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबिना का बिजनेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऐसी घटिया फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान इस फिल्म की मुखालिफत कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, दिल खोल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।